आज हमारे साथ है राजस्थान यूनिवर्सिटी के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, जिनका लाडनू की धरा पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं आपके माध्यम से सभी पधारे बुजुर्गणों का, ग्रामीण लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोग आए, इतनी शक्ति के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे हौसले को बढ़ाया। मैं धन्यवाद करूँगा और उनकी जो भी उम्मीदें जीवन में मेरे से रहेगी मैं उन पर खरा उतरूँगा और हमेशा जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। जिस प्रकार से आपके चुनाव बेल्ट पर नाम सिर्फ निर्मल था और आपके चुनाव जीत कर आते ही आपने पुलिस प्रशासन को किस प्रकार से कि मुझे निर्मल चौधरी नाम से जानते हैं, तो वो दबदबा आपका छात्र शक्ति था या फिर चौधरी होने का वो अहंकार था? सब उच्च छात्र शक्ति के रूप में था। मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन के आया हूँ तो मुझे कोई कुचलेगा, इधर उधर धक्का देगा? पुलिस का काम था मेरी सुरक्षा करना, मेरे प्रोटोकॉल को मेंटेन करना, ना कि मुझे दबोच के गाड़ी में डाल के लेके जाने के लिए। मैं मीडिया मेरे से बातचीत करना चाह रहा था तो मेरे को मीडिया से बातचीत करनी थी। आप चुनाव से पहले आशीर्वाद लेने हनुमान बेनीवाल जी के पास भी गए थे, मुकेश भाकर जी जो हमारे विधायक है लाडनू के, वो भी आपके आदर्श है, सचिन पायलट जी को भी आप मानते हैं आदर्श, तो आगे जो आपका चुनाव लड़ने की राजनीति रहेगी तो आप कौन सी विचारधारा के साथ जाना चाहेंगे? किसी से मिलना करना वो पारिवारिक रिश्ते हो सकते हैं, पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, बाकी मैं मेरी तौर तरीकों से छात्र राजनीति कर रहा था, करता आया हूँ, फिर आगे भी छात्र शक्ति जिस ओर जाएगी उस ओर ही निर्मल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ निर्मल चौधरी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अभी नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने बताया कि जो मैं मेरी राजनीति है वो मेरे हिसाब से करूँगा, किसी विचारधारा के साथ नहीं जाऊँगा। कैमरामैन बाबू पटेल के साथ मोहम्मद अली खान, लाडनू।